पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर तेजस्वी यादव बीमा भारती को जीत दिलाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव भी लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके उम्मीदवार पर हमलावर नजर आते हैं, सवाल खड़े करते नजर आते हैं। और आज पप्पू यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव और उनकी उम्मीदवार को हराने का ऐलान किया है। जी हाँ, पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ लिखा है जिसके बाद अब तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव को लेकर और उनकी उम्मीदवार को लेकर पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, यह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सम्मान का चुनाव है। पूर्णिया के एक एक मतदाता नकारा सांसद से मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। 3 लाख मतों से उनकी हार तय है, जनता उन्हें नकार चुकी है। उन्हें बचाने को कुछ लोग साजिश करने पूर्णिया आए, लेकिन उनका षड्यंत्र बेनकाब हो गया। आपको बता दें, पूर्णिया गए थे तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए जनता का समर्थन मांगने, लेकिन तेजस्वी यादव के जनसभा में कई ऐसे लोग थे जो पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे थे। और उसके बाद आज भी तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करके पप्पू यादव पर तंज कसा, कह दिया कि वो तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं, हर बार लड़ते हैं और आने वाले चुनाव भी वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूंगा। एक तरीके से तेजस्वी यादव पप्पू यादव का मजाक उड़ा रहे थे उनके चुनाव लड़ने को लेकर, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर अब पप्पू यादव ने ये ट्वीट कर दिया है जिसमें साफ तौर पर निशाना तेजस्वी यादव पर है। यहाँ तक कह दिया कि वो षड्यंत्र करने पूर्णिया आए थे, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया क्योंकि तेजस्वी यादव के सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग गए थे। आपको बता दें कि पूर्णिया को लेकर शुरू से ही तनातनी जारी है। राजद और पप्पू यादव के बीच में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कराया था कांग्रेस में ताकि पूर्णिया से चुनाव लड़ सके, लेकिन राजद ने वो सीट अपने पास रख ली। बीमा भारती, जो कि जदयू छोड़कर राजद में आई थी, उनको वो सीट दे डाली। पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि उनको नामांकन उनका वापस हो जाए, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया। बीमा भारती का नामांकन तेजस्वी यादव ने खुद कराया पूर्णिया से। तो वहीं पप्पू यादव लगातार कहते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने नामांकन कर डाला। और अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच आर पार की स्थिति बन गई है। एक ओर तेजस्वी यादव भी तंज कसते हैं पप्पू यादव पर, तो दूसरी ओर पप्पू यादव भी लगातार तेजस्वी यादव और बीमा भारती पर हमलावर हैं। साफ अब कह दिया है कि ये पूर्णिया के सम्मान का चुनाव है, 3 लाख वोटों से ज़्यादा से हराएंगे, और जो लोग षड्यंत्र करने आए थे उनको लोगों ने जवाब दे दिया। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ षड्यंत्र करने आए थे। इस मुद्दे पर अब आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव और बीमा भारती की सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।